जोधपुर में पिछले 32 सालों से पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन पिछले महीने 6 से 15 जनवरी के बीच हुआ और यह आयोजन राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इस आयोजन में हमने एक सी वर्ल्ड बनाया, बिना पानी का एक समंदर बनाया और उसमें हमने 104 फीट की ब्लू व्हेल बनाई जो पूरी मेटल स्क्रैप से बनी। इसके अलावा हमने 1,000 तरह के क्रिएचर्स, ओशन क्रिएचर्स बनाए जिसमें हैमरहेड शार्क्स, टाइगर शार्क्स, क्रैब्स, लॉबस्टर्स, जेली फिश, स्टार फिश और ऑक्टोपस, वाटर स्नेक, कई तरह की क्रिएचर्स हमने बनाए। और हमने आर्टिफिशियल ग्रास और आर्टिफिशियल रॉक्स बना के एक इफेक्ट दिया और 180 फिट बाय 85 फिट के डोम में ये सी वर्ल्ड हमने क्रिएट किया था। 40 फिट हाइट का डोम था और इसमें 26,000 फिट ब्लू कैनवास लगा। दिल्ली से टीम्स हमने बुलाई, फाइन आर्ट के स्टूडेंट्स हमने बुलाए जिन्होंने कैनवास को पेंट किया है, 3D डिज़ाइन किया है। इसके अलावा हमने एक ब्रिज बनाया ताकि पब्लिक उस ब्रिज पे चले और उस ब्रिज में भी हमने केव्स बनाए आर्टिफिशियल, पब्लिक उस ब्रिज पे चलती और उनको एहसास होता कि वो समंदर के तल पर चल रहे हैं। हमने एक सबमरीन भी बनाई, वो भी स्क्रैप से बनी, वो करीबन वो 34 फीट की सबमरीन हमने बनाई। इसके अलावा एक डूबा हुआ जहाज संकन शिप भी हमने बनाया 50 फीट का और वो भी मेटल स्क्रैप से बना है। और हमने 3D साउंड, बबल और स्मोक के माध्यम से और लेजर लाइट के माध्यम से एक ऐसा ऑरा क्रिएट किया कि जैसे स्मोक से, जैसे पानी में हम जाते हैं तो 10 फीट दूर की भी चीज़ नहीं दिखाई देती, धुंधली दिखाई देती है, तो स्मोक से हमने एक ऐसा ऑरा क्रिएट किया कि आने वाले विजिटर्स को ये एहसास हुआ कि वो समंदर के तल में नीचे वॉक कर रहे हैं। तो इस तरह का हमने ये आयोजन किया और इसमें इस आयोजन में 10 दिन का ही आयोजन था जिसमें करीबन 15 लाख लोगों ने विजिट किया।